लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पहले वासी पुलिस स्टेशन ने एक घरपुड़ी का बहुत ही अच्छा डिटेक्शन किया है। इसमें जहू गांव में सचिन कांबड़े नामक एक आदमी था, उनके घर में घरपुड़ी हुई थी। वहाँ पे एक CCTV हम लोगों को बरामद हुआ और फुटेज में आरोपी ने उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। फिर उसके गर्दन पे एक लोगो था और वो लोगो या उसके तहत हम लोगों ने कुछ सर्चेस किए और उसमें ये आरोपी अपने को मिला है। आरोपी का नाम अजय अंकुश राठौड़ ऐसा है। ये कल्याण निर्जय गांव में रहता है और वहाँ से नवी मुंबई में आके एक दो बार उसने इसके पहले भी गुने किए हैं। हम लोगों ने ये आरोपी से एक 5 गुने वाशी पुलिस स्टेशन के डिटेक्ट किए हैं और 5 मिलकर 2,70,000 का मुद्देमाल अभी तक बरामद किया है। ये अजय अंकुश राठौड़ नामक आरोपी है। ये निर्जय गांव कल्याण में रहता है। ये रात को यहाँ पे आके गुने करता है। इससे पहले भी उन्होंने गुने किए है कि पूरा अपना चेहरा कवर करके जाता है कि ताकि उसको कोई पहचान नहीं सके। ऐसे ही उसकी एमओ भी है। गुना है रबाड़ा में विमल राजाराम आटपाड़कर, ये 70 वर्षीय महिला मॉर्निंग वॉक करती थी। वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल सवार आके उन्होंने उसकी चेन स्नैचिंग की थी। एक आदमी जो है उसमें पहला तंजीम इकलक अहमद खान ये जगह पे गिरा था और वो कुछ लोगों ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया था वो। लेकिन इसमें जो चेन है वो चेन दूसरा आरोपी लेकर भाग गया था। इमरान जाकिर शेख नाम का ये दूसरा आरोपी है। ये आरोपी पुलिस ने पकड़ के वो आरोपी से टोटल 3 गुने अभी तक डिटेक्ट किए हैं और टोटल 1,35,000 का मुद्देमाल दोनों आरोपी से 3 गुनों का हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। पूरी 100% रिकवरी इसमें हुई है। थैंक यू। बहुत बार ऐसा होता है चेन स्नैचिंग करके आरोपी निकल जाता है। जो महिला की या पुरुष की चेन स्नैचिंग होती है वो आवाज़ देता है, फिर बाद के जो दूसरे लोग रहते हैं वो कुछ अंतर पे रहते हैं, वो मदद करने के लिए आते नहीं। अगर इस सिलसिले में जैसा हुआ है वैसा लोगों ने मदद किया तो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा आरोपी पकड़ सकती है और मुद्देमाल लोगों को वापस कर सकती है। गए 3-4 महीने में से हम लोगों ने तकरीबन 25 मोबाइल बरामद किए थे। ये कुछ गुम हुए थे, कुछ जगह पे रह गए थे। ऐसे टोटल 25 मोबाइल 3.5 लाख रुपए कीमत के आज इस प्रोग्राम के दौरान हमने उनके ओनर्स को वापस किए हैं। थैंक यू। हर जगह CCTV है, पुलिस इतनी सतर्क रहती है, फिर भी जो आरोपी लोग रहते हैं उनकी हौसला इतना ज़्यादा कैसे रहता है, उनके अंदर डर क्यों? आपने तो देखा है अभी समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, जैसे अच्छे लोग हैं बुरे भी लोग हैं। और ये घटना जो है लॉकडाउन के बाद उसमें ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ोतरी आई है। लॉकडाउन में बहुत लोगों की नौकरी गई, बहुत लोगों का काम गया, बहुत सारी कंपनियां अभी भी बंद है। तो समाज में कुछ लोग ऐसे है वो जो कमाने के लिए ऐसे गलत रास्ते अपनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा गए 10-12 दिन में हम लोग ने ये 5वीं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी डिटेक्शन भी होता है। अगर कुछ लोग गलत काम करते हैं तो हम लोग डिटेक्ट भी करते हैं और उनको जेल में डालने के लिए भी हम लोग योग्य तो ये करते हैं।